अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है? एंड वेलकम टू माइंड ना करना। जिंदगी में हम बड़ी चीजें माइंड करते हैं, उसमें से एक चीज हम लोग जरूर माइंड करते हैं कि ऐसा काम करते हैं जिसका वाकई हमें शौक नहीं होता। हम लोग बस कर रहे होते हैं, नौकरियां करते हैं जिसमें हमारा कोई दिल भी नहीं लगता, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं। वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम लोग को मौका नहीं मिलता या हमारे में हिम्मत ही नहीं होती टू एक्चुअली डू दोज थिंग्स दैट वी रियली वॉन्ट टू डू। बट जी, आज तो लग रहा है जैसे आपने मेरी कहानी छेड़ दी है। आपको पता है मैं भी कुछ और बनना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे आर्टिस्ट बना दिया। अरे वाह 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 वाह, आप क्या बनना चाहते थे? मैं वेल्डर बनना चाहता था। वेल्डर बनना चाहते थे लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन कम थी। अच्छा, वेल्डर के लिए भी? वाह वाह वाह, मैं कड़ा बीए करके टोचे लाने सर। अच्छा, आप क्या वैसे बनना चाहती थी? मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस एक्चुअली। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई ही वो काम करते हैं जिनसे उसको इश्क होता है, और उनमें से आज जो हमारे मेहमान हैं इज नॉट ओनली समवन जिन्होंने अपने काम से इश्क किया, बल्कि अपने काम से इतना इश्क किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक अपने नाम की मिसाल बना दी। वाह। पाकिस्तान के बिगेस्ट एक्टर हैं, पाकिस्तान की बिगेस्ट पर्सनैलिटी हैं, वाह, पाकिस्तान की बिगेस्ट सेलिब्रिटी हैं, और मेथड एक्टिंग इन्होंने जेनरेशंस ऑफ फ्यू जो अगले हमारे अदाकार आ रहे हैं उनको भी इंस्पायर किया है। वाह वाह, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम फैसल कुरैशी। ये वाह, ओ हो, ओ हो, ये वाह, ये वाह, ओ हो। थैंक यू, आइए आइए। थैंक यू। वाह 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 वाह, इतनी तालियां तो मेरे लिए भी नहीं कभी बजी। तो जब मैं कहता हूं कि भाई वाकई पाकिस्तान का आप सबसे बड़ा नाम है, आई थिंक ये एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि जितना काम आपने किया है और जितने ड्रामे आपने किए हैं, इतने तो कासिम के अब्बा पे पर्चे भी नहीं कटे। लेकिन खुश नसीबी है हम इन्हें सामने देख रहे हैं, उन्होंने मिलना होगा तो अडियाला जाना पड़ना। पॉलिटिक्स को प्लीज एंटरटेनमेंट में ना मिक्स किया करें। वैसे भाई थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए। माइंड तो नहीं करते वैसे? किस बात को? कोई आजकल चीजें माइंड करते? माइंड करने वाली होती हैं तो करता हूँ, नहीं करने वाली होती तो नहीं करता हूँ। वैसे मैंने आपको कभी गुस्से में नहीं देखा। हाँ, गुस्सा बहुत कम आता है मुझे। आए, आए। बहुत कम आता है, एक ही दफा आता है और बमुश्किल एक से डेढ़ मिनट का। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं वापस ऐसे ही हो जाता हूँ, अब यार ये तो। अच्छा भाई, सबसे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता तो फैसल भाई की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मैंगो जट। मैंगो जट, ये बात। मैंगो जट क्यों यार? देखो, एक तो बड़ा कैची सा नाम है, ऊपर से मैंगो पूरी फैमिली को पसंद होता है। वो ऐसी फिल्म है जो आप बाखुदा फैमिली के साथ देखेंगे, बच्चों के साथ देखेंगे, यंगस्टर्स के साथ देखेंगे और आप एंजॉय करेंगे। बेशक फैसल भाई, उसमें ये शर्त तो नहीं मैंगो जट जेड़ा देखेगा बाद चो कच्ची लस्सी भी पीनी पड़ेगी? कच्ची लस्सी का पता नहीं, लेकिन टेढ़े दर्द दिया गोलियां खानियां पैणी। अरे बड़े बड़े हमारे लाहौर के लेजेंडरी एक्टर्स जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। वाह, एक ही नाम ले लेता हूँ मैं, आए हमारे ठाकुर साहब। ओ हो, वैसे जब आपने कहा लेजेंडरी एक्टर होंगे मैं समझ गया भट्ट जी तो नहीं होंगे। और मजे की बात बताऊं या ना बताऊं? बताएं सर प्लीज, इसीलिए भट्ट साहब भी होंगे। भट्ट साहब मेरी जुगत ने तुहानू साइन कराता। नहीं जी, साइन करने वाला मैं नहीं हूँ, साइन करने वाली हरीम है जो प्रोड्यूसर है उसकी और अबू अलिया डायरेक्टर है उसकी। क्या बात है। मैंगो जट एक्शन कॉमेडी रोमांस एडवेंचर मर्डर मिस्ट्री किस ब्रैकेट में आएगी? सिर्फ मर्डर मिस्ट्री निकाल दें, बाकी एक्शन रोमांस कॉमेडी सब है। हाय 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 हाय, इसका मतलब है कि बिरयानी की प्लेट है फुल फुल जी। अच्छा भट्ट जी, आपकी ये जवानी फिर नहीं आनी जो पार्ट वन है मैंने 10 मरतबा देखी। क्यों? मैं कहा जितनी देर तक सही काम नहीं करेंगे मैं देखी जाऊँ। जहाँ आपने अदाकारी की, जहाँ आपने इतना कुछ किया, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी आप रहे हैं अपने करियर जी, और आप चीजें प्रोड्यूस भी करते हैं जी। और बहुत एक्टर्स को हम जानते हैं जो प्रोड्यूस करके अपने आप को काश भी कर लेते हैं। हम हमारी की बात नहीं कर रहे।
नहीं, इसमें इसमें गलत क्या है? अगर आप बात करते हैं ब्रैड पिट की, वो भी प्रोड्यूस करते हैं और खुद एक्ट करते हैं। टॉम क्रूज की, वो खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक्ट करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। आपके हिंदुस्तान में शाहरुख साहब, सलमान खान, सब आमिर खान, सब यही करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ आपका होता है ड्रॉ द लाइन, होती है कि यार अच्छा यहाँ मैंने एज ए प्रोड्यूसर काम करना है और यहाँ मैंने एज ए एक्टर काम करना है। नहीं, मैं तो तौबा कर ली है, मैं नहीं प्रोड्यूस करना हूँ, वो नहीं करना। नहीं भाई, क्यों? मेरे बाप की तौबा। ऐसे आपके पैसे फंसे? हाँ, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। जिस तरह से पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा पैसे तो मैं 6 महीने में कमा लेता हूँ। अरे क्या, एज अ प्रोड्यूसर पाकिस्तान में। मगर अब तो लोग कहते थे कि जी इंडस्ट्री बड़ी बेहतर हो गई है, बहुत पेमेंट टाइम पे। ओहो, भाईजान, आप लोग जो समझ रहे हैं ना कि पैसे बड़े आते हैं और ये बड़े आते हैं, देखो कितने पैसे फंसे हुए। नहीं, मेरे फंसे हुए तो अब नहीं है, लेकिन जैसे आए वो ना होने के बराबर है। आपको भी पैसे नहीं मिलते भाई? नहीं नहीं, मुझे तो मिल जाते। मैं तो आपकी भाभी से रोजाना 150 लेके घर से निकलता जहाँ हम लोग पैसों की बात कर रहे हैं, वहाँ आपके एक बड़े एक्सपेंसिव दोस्त हैं, इजाज़ असलम साहब। हाँ, हाल ही में आप दोनों दुबई गए हुए थे। हाँ, क्यों? क्रिकेट खेलने। अच्छा, आजकल उसको क्रिकेट कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हम भाई बकायदा DCL चैप्टर 2 खेलने ही गए थे। अच्छा जी। हाँ जी, वहाँ जाके आपने वो उसका वो प्रॉपर्टी वाले का भी इश्तेहार कर लिया? हाँ जी, वो भी जरूरी है। और यानी जेड़ा खर्चा करके गए सो तो लेके आ गए? नहीं 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 नहीं, जेड़ा खर्चा उथे कीता है, उथे पूरा कीता है। लो जी, जो पूछना चाहते सो उन्होंने दसता है। हाँ, दसता है। वैसे भाई, अभी आपने हाल ही में बयान दिया था कि इंडियन फिल्मों को खोल देना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तानी सिनेमा को इंडियन फिल्म्स की बड़ी जरूरत है। ये आप वाकई ही बिलीव करते हैं या किसी के दबाव में आपके आपने? नहीं, मैंने किसके दबाव में आना है? मैं अगर बात करता हूँ 2019 तक की, तो आप हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स का बिजनेस देखें, उसके बाद आप उसके बाद वाला बिजनेस देखें, तो आपको बाकायदा एक फर्क नजर आएगा। बिल्कुल। सो वो जो लोग जो सिनेमा जा रहे थे, माने इस बात को कि हमारे लोग शौक से हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, माने इस बात को कि वो शौक से हिंदुस्तानी गानों पे नाचते हैं, अपनी शादियों में नाचते हैं। हर शादी में होता है? हर शादी में कोई पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता, वाकई, ठीक है ना? ज्यादातर हिंदुस्तानी गाने बज रहे होते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट का लेवल वो है भाई। टिकट अगर 200-250 का होगा तो मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, या कोई भी ऐसा शख्स रिस्क ले सकता है कि चलो देख लेते हैं कि हेगा की है विच। बिल्कुल। लेकिन जब टिकट ही आपका 1000-1200 से शुरू होता है, तो जब एक आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी? वाह वाह। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। वो तो फिर और फिल्म हल्की सी, अगर हल्की सी एवरेज आपको भी मजा नहीं आया तो लोग कहते हैं कि वो तो फिर इसीलिए तो फिर इतना गुस्सा जो है वो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। आपका ड्रामा अभी नया नया आया है, कुछ और, लेकिन इसमें जो ये इम्प्लीमेंट होता है ये बदले में या रिवेंज इस तरह से? आई थिंक इट मींस दफन करना, एम आई राइट? हाँ, दफन करना या बदला लेना या इस तरह से। अभी आप तंदुरुस्त हैं, क्यों दफन करना बताएं? आपको करना चाहती हूँ, तानू देख ले ना। खाए में हमारे वेटरन एक्टर खालिद भट्ट साहब, मरहूम, अब अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमाए, आपने उनके साथ अभी काम किया। बहुत लोगों का ये इंकशाफ हो रहा है कि जी ड्रामा भी शुरू हुआ है और अब वो हयात नहीं है, तो क्या उनका काम हो गया ड्रामे में? क्या अब उनका जितना पार्ट था वो कोई रिप्लेस करेगा? नहीं नहीं नहीं, ड्रामा हम अक्टूबर में ख़त्म कर चुके थे। अच्छा। और पूरी शूट जो है, लेकिन थ्रू आउट भट्ट साहब की तबीयत थोड़ी खराब ही थी। मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। मैंने एक छोटी सी अभी वीडियो भी डाली थी उसी हवाले से। मेरा करियर का जो माइलस्टोन है वो बूटा फ्रॉम टोबरटेक सिंह। जी जी, बूटा। और बूटे में ही प्लेड माय फादर। अरे, और उसके और उसके बाद फिर हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला। हमने प्लेस किए लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिला जब तक मैं लाहौर में काम कर रहा था कि हम साथ काम कर पाते या ऐसे कोई इंगेजिंग कैरेक्टर होता। फिर उसके बाद कई साल गुजरे और जब हम खये के सेट पे थे, तो जब पहले दिन भट्ट साहब आए और हम मिले, तो भट्ट साहब हग्ड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही वाज सो हैप्पी कि यार कितने अरसे के बाद मैं फिर तेरा बाप बनाऊँ। एंड यू नो लाइक जज्बाती थे तो रो भी पड़े। फिर हमने बड़ा प्यार व्यार किया और फिर शूट के ऊपर मैं देखता था उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन चेक करें
दुराब खान को आप ऑन स्क्रीन चेक करें, को दुनिया का आदमी नहीं कह सकता कि वो आदमी है जो शॉट से पहले बैठा हुआ ऐसे कांप रहा है, ऐसे सीरियसली कि बात नहीं हो रही है। और आ जाए भट्ट साहब, और भट्ट साहब ये उठते थे और ये चलते और सिर्फ दुआएं निकलती थी। एक और फिल्म आप कर रहे हैं जिसका नाम है दीमक जी, और दीमक हॉरर फिल्म है। वाह, लवली, फुल फ्लेज हॉरर फिल्म है। मतलब आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बना रहे हो। यार फैसल भाई हॉरर फिल्म में भी काम करेंगे तो प्यारे ही लगेंगे, ये हैं ही प्यारे। नहीं नहीं, मेरा कड़ा उदय जिंदा कैरेक्टर। हॉरर से लोग भागते हैं क्योंकि यहाँ तो कभी हॉरर अगर बनती है तो उस लेवल की नहीं बनती। आपने हॉरर के लिए भी कह दिया यार, मुराद एंड राफे आर द प्रोड्यूसर एंड राफे डायरेक्टेड इट, और हमारी जो पूरी एनिमेशन की टीम थी वो कनाडा की थी। अरे, और बहुत मेहनत की है एक्चुअली टू टच दैट इंटरनेशनल लेवल, कि हम दुनिया में ये दिखा सकें कि पाकिस्तान में भी एक अच्छी हॉरर फिल्म बन सकती है। और आपके साथ लीड में कौन है? सोनिया हुसैन है, समीना पीरजादा साहिबा हैं, जावेद शेख साहब हैं, बुशा आपा हैं। अरे वाह वाह वाह, इनके सबके पेचेक देख के ही वैसे बंदा हॉरर हो जाता है कि अड्डे पे है। ये जो आप इंडियन गानों की बात कर रहे थे, मैं एक बात आपको बताता चलूं, दलेर मेहंदी का वो गाना ना, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हाँ जी, वो पाकिस्तान में अब नहीं सुना जा रहा। क्यों? बल्ले ते पाबंदी लग गई है ना। मुझे लगता है शो के बाद आप पे भी पाबंदी लगने वाली है। बहुत ही रोज रात कहीं मत जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। ये वाह, एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। उम्मीद है आपने माइंड नहीं किया होगा क्योंकि अब वक्त हो रहा है ब्रेकिंग द न्यूज। ब्रायलर गोश्त की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया, कीमत 650 तक जा पहुंची। जब अगली हुकूमत आएगी तो ब्रायलर हमसे गिन गिन के बदले लेगा। चिकन महंगा हो गया, सो व्हाट, आपने तो पंजे ही खाने हैं ना। यही तो मसला है मेरी जान, जब चिकन महंगा होगा तो पंजे भी महंगे हो जाते हैं, हालांकि पंजे खाने चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन्स होते हैं। अच्छा है। प्रिंस ऑफ ब्रुनाई की शादी में सिर्फ मर्दों ने ही शिरकत की। सिर्फ मर्दों ने शिरकत इसलिए की क्योंकि औरतें सारी पार्लर पे गई। वो तो एक सियाने बाबे ने कहा, उठो मुंडियो, चलिए बुढ़िया ने नहीं जे आना। बारात कोई मुरीद की नहीं जानी थी। कराची के एक चिड़ियाघर में सफेद शेरनी ने 6 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे देख के लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, शेर एक वारी फेर। जितने मर्जी नारे लगा दो, बिरयानी तो तुम्हें फिर भी नहीं मिली। ना मिले बिरयानी, असी वोटां भी नहीं पावांगे। ओकारा में पीटीआई सपोर्टर बीवी और नून लीग सपोर्टर हस्बैंड में लड़ाई हो गई। इस सिलेक्शन में ना जाने कितने घर टूटेंगे और कितने बच्चे आग हो जाएंगे। गलत करते हैं वो लोग जो सियासतदानों की वजह से लड़ाई करते हैं। अच्छा चलो छोड़ो अब लड़ाई झगड़ा, बेगम उठो घर चले। Are you okay? दुनिया के 100 बेहतरीन रेस्टोरेंट्स की फेरिस्त में कराची के निहारी हाउस को भी शामिल कर लिया गया। Yes! निहारी हाउस तो 100 में सिर्फ शामिल है, लाहौर तो आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे है। हाय हाय, बेचारी आलूदगी भी क्वालिटी समझ रही है, एनुए पता ही नहीं है बिस्ती वाली गले। अच्छा निहारी पे आपने बड़ा यस कहा है, खुशी होती है ना, आप लाहौरी हैं लेकिन निहारी तो अपनी है। पाकिस्तानी निसाद अमरीकी हसीना एरिका रॉबिन ने मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हाथ वाला पंखा पकड़ के शिरकत की। असल में उसने लोगों को बताना नहीं था कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसलिए हाथ वाला पंखा पकड़ के उसने शिरकत की ताकि लोगों को पता चल जाए एना दे मुल्क च बत्ती नहीं आंदी। आपके यहाँ तो बिल्कुल नहीं आती, आपका तो मीटर कटा हुआ है ना। ए, हर गल च कट्टा खोल देंदी ये बटन। फादर अजाद, अब वक्त होता है एक हमारी नन्ही मुन्नी गेम का, क्योंकि असल में हम जानना चाहते हैं कि फैसल भाई किस चीज़ से माइंड करते हैं और किस चीज़ को नहीं माइंड करते। तो आइए आई डोंट माइंड खेलते हैं। ये आई डोंट माइंड, आपका बनता भी नहीं है। फैसल भाई सेगमेंट का नाम है। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। बट जी, जिस चीज पे आप एग्री करेंगे आप कहेंगे आई डोंट माइंड, जिस पे एग्री नहीं करेंगे आई माइंड। ये सेगमेंट की पूरी तफसील है, तो शुरू करते हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम होंगे। अरे
दोनों फंस गए। अब बताइए क्यों? आई मीन नए लोगों को चांस देना चाहिए। हाँ मतलब भाई, मतलब अब कितनी दफा बनना है यार, मतलब कितनी दफा अब अगले को मौका दें, चाहे आपकी आपकी पार्टी में से कोई आए, मगर अगले को मौका देना, किसी को मौका दे। हाँ यार मौका बनता है। देखो देखो मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, लेकिन मौका मेरे भी तो बनता है। वाह वाह, मैंने मियां नवाज शरीफ का कहा, आप शहबाज शरीफ बन रहे। अगला सवाल। वाह वाह, मैं एक दो तमिल फिल्मों में देख बैठा ना। बाबर आजम से शाहीन शाह अफरीदी बेहतर कप्तान होगा? आई माइंड आई डोंट माइंड। पहले आप। नहीं नहीं पहले आप। बाबर की हमने परफॉर्मेंस देखी है वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, प्रेशर में आया, बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हुई, पूरा वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ से गया। अभी आपने कहा कि भाई चांस मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है हाँ शाहीन को भी चांस मिलना चाहिए, उसको भी प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए। अब आप देखें, ये एक अच्छी आर्गुमेंट है, बोथ आर फेवरेट, बिल्कुल, लेकिन ये ना हो कि जो प्रेशर बाबर पे पड़ा और उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, वो प्रेशर शाहीन पे पड़े और उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो। सो प्रॉब्लम ये है कि कुछ अर्सा पहले तक बाबर जब एज अ कैप्टन खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंसेज भी अच्छी थी, एज अ कैप्टन भी वो अच्छे थे, ठीक है। तो वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हुआ था कि बाबर की परफॉर्मेंस भी ख़राब हुई और एज अ कैप्टन पूरी कॉम ने उनके ऊपर उंगली उठाई? तो उन आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक लॉबी बनी, जो कि आया भी, बाय द वे आर्टिकल भी आया था कि वो लॉबी बनी हुई है उनके खिलाफ। चले मैं कुछ हद तक आपसे एग्री भी करता हूँ, मगर मैं ये भी चीज़ देखें कि आप वर्ल्ड बेस्ट हैं, प्रेशर हैंडल करना अगर आप नहीं कर सकते फिर कौन करेगा? कोई ना कोई वजह है कहीं ना कहीं, वरना एज मतलब आप बाबर की परफॉर्मेंसेज उठा के देखो, एज अ बैट्समैन तो भाई ही इज द बेस्ट, दी बेस्ट, दी बेस्ट। तो मगर हम कैप्टन की बात करें। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि अगर वही सूरत हाल रही तो फिर शाहीन की परफॉर्मेंस जो है वो ना कहीं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अब अगर लेकिन मैंने सुना है कि एज अ कैप्टन अगर शाहीन खड़े होते हैं, शाहीन बहुत सख्त है कुछ मामला। हाँ जी हाँ जी, ये मैं लेकिन मैं आप दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा हुआ हम बाबर की कप्तानी में वर्ल्ड कप नहीं जीते, नहीं तो एक और वजीर आजम भुगतना पड़ना सी। बिरयानी कराची की बेहतर है? दोनों ही डोंट माइंड भाईजान, हैंड्स डाउन बिरयानी कराची की, पुलाव लाहौर का, पुलाव लाहौर का, ये मैं और आप एग्री कर, बिल्कुल एग्री कर। और बिरयानी के अंदर आलू होना होना चाहिए, चाहिए। ये, बिल्कुल। ये आप ज्यादा खुश नहीं, आपको फिर भी बिरयानी नहीं मिली? इलेक्शन तो होने ना, मैं उठो ले लूंगा। मैं देखें इस बात पे दरखास्त करना चाहता हूँ, आप ब्रेकिंग न्यूज में भी कह रहे थे, मैं माओ बहनों से दरखास्त करना चाहता हूँ कि इलेक्शन वाले दिन बिरयानी बनाए, ताकि आप उनकी बिरयानी के चक्कर में ना पूरे कौम की जो क्या कहेंगे उसको, बिरयानी है वो ना निकल जाए। यानी घर में बिरयानी बनाएं, पूरी कौम की हंडियां उल्टी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगले पे आते हैं, उठाना पड़ लेना बट दी फोटो सीधी है ना। हाँ जी बस सीधा ही है। एजाज असलम फैसल कुरैशी से बेहतर एक्टर है? आई माइंड। माइंड डोंट माइंड। पहले आप। मुझे तो लगता है सभी मुझसे अच्छे हैं, मुझे तो ऐसा लगता ये है। अब आप मॉडेस्ट हो रहे हैं, देखिए एजाज भाई लव है, एजाज भाई प्यार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके प्यार वाले हाथ जो हैं आपको भी पता है, आपकी दाढ़ी से ज्यादा उनके हाथों पे बाल है, यूं कर ले। मगर जितने वर्सेटाइल आप हैं और जितना काम आपने किया है, एजाज भाई ने नहीं किया। एजाज बहुत प्यारा है। मैं एक बात छोटी सी बता देता हूँ जी, हम एक सीरियल कर रहे थे, एजाज ने वो स्क्रिप्ट लिखवाया और एजाज ने वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा। वो लिखा इसलिए गया था कि हम दोनों प्ले करेंगे। अच्छा। मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और मैंने एजाज को कहा, मैंने कहा भाई ये तुमने स्क्रिप्ट किसके लिए लिखवाया, हम दोनों के लिए? तो उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा इसमें दूसरा कैरेक्टर क्या है? तो कहता क्या हुआ? मैंने कहा पढ़ो तो सही, मैंने कहा तुम्हारा तो कैरेक्टर ही नहीं है, तुम यकीन नहीं करोगे उसने नहीं किया वो ड्रामा, मैंने किया। बिल्कुल बड़ा आदमी। डॉलर का रेट नीचे आएगा? ओ दोनों ही माइंड भाईजान, डॉलर का रेट नीचे नहीं आना। हाँ आपकी इज्जत नीचे आ सकती है लेकिन डॉलर नीचे नहीं आने वाला। मुझे लगता है 18 रुपए और ऊपर जाएगा सर, डॉलर जाएगा ही जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है खवातीनों हजरात, 8 रुपए पेट्रोल कम होने के बाद भी डॉलर 17-18 रुपए ऊपर जाएगा। जी जी फैसल भाई का कहना है। जी जी कापा वापस करो यार। जी जी सॉरी। अगले ऑप्शन पे चलते हैं।
IMF हमें कभी कर्जा नहीं देगा। क्या मतलब है? दो ही मार तो पता लग गया किन्ने गरीब। मांगने नहीं आया लेकिन मैं ये कहता हूँ सिर्फ एक साल के लिए दे दे, हम 100 साल में वापस कर देंगे। हालांकि बाखुदा इस मुल्क में अभी भी इतनी जान है कि हम सारा कर्जा उतार सकते हैं। खुदा के लिए बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं शहजाद नवाज साहब, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कि ये कैसे पता लगेगा कि हम पाकिस्तानी हैं शनाख्ती कार्ड से, ये कैसे पता चलेगा कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हाय हाय वाह वाह, ये कैसे पता चलेगा? कैसे हैं? आपका टैक्स सर्टिफिकेट देख के। क्या आप टैक्स जमा कराते हैं कि नहीं? वाह वाह, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई, कब परे परे कर लो। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होंगे। ओ फिर से टांका भिड़ गया। पहले आप नहीं, इलेक्शन होंगे और प्रॉपर इलेक्शन होंगे। सही कह रहे हैं आप, लगे रहे, आप भी यहां रहते हैं, मैं भी यहां रहता हूं। सिलेक्शन। अच्छा सर भाईजान, होता तो यही आया आज तक। वो भी करें यार, मुल्क के लिए अच्छा करते हैं, अवाम के लिए अच्छा करते हैं। आमीन। मुल्क को चला दे भाई, गरीब की कमर तोड़ना छोड़ दें। खुदा के वास्ते यार, बाकी बिजली कितनी महंगी हो गई है, गैस कितनी महंगी, गैस तो आई नहीं रही। हम कराची वालों से पूछो, हम तो पानी भी खरीदते हैं। नहाने वाला अलहदा, पीने वाला अलहदा, हाँ जी, और डूबने वाला अलग। लास्ट क्वेश्चन, सोच समझ के देवियों मित्रों से सजनों से जवाब देना है। चाहत फतेह अली खान क्यामत से 8 घंटे पहले तक गाएगा। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। चाहत भाई प्लीज डोंट माइंड। वो नहीं पंजाबी फिल्मों में घोड़े पे आ रहा था। वेलकम बैक फ्रॉम द वे, खवातीन हजरात माइंड ना करना, इट्स टाइम फॉर डीजे बॉय बॉय। ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जोए, ओ कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जोए, क्यों माये दा क्यों ढोले दा गिला करा मैं दा लखवारी बिस्मिल्ला करा। मुझे इजाजत नहीं दो वरना एक पपी। रियली तो हिम्मत फाड़ा सी कैमरे बंद करा देने। पैन मेरे को भी पूछ लो। सर मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है। वाह यार, हाँ सुनाओ यार। नहीं नहीं सर, सुनाना नहीं है, वैसे लिखा है। अर्ज किया है, वाह खुदार मेरे शहर का फाको में मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया, रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बांट दी, बच्चा गरीब शहर का फाको से मर गया। अबे भाई ये किसके घर गया? शुक्र करो भाई जी नहीं थे, पिन्नी थे लड़ गया। ए सानू क्यों पड़ गया? सर मैंने एक और आपकी नजर शेयर करना है कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। ओह माय गॉड, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, और दिल में जो आई है बात वो कह दे, तू मैं अंबला दे। एडी दूरों शो चांबलन आया जी। आई थिंक फैसल सर इज ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर लिसनिंग टू दिस। सर बड़ा समझदार आदमी, उन्हें अंब वाला शेर तां सुनाया, मैंगो जट जो आ रही है। अच्छा इन्होंने तो मैंगो जट बनाई ना, मैं उन्हें मुकाबले ते बनानी एप्पल गुजर। वाह वाह वाह, और एक मैंने भी बनानी है, बनाना मलिक। और कोई शेर आता है? एक मैंने और गजल लिखी है,
कि सजना मैनू धोखा होया फिर की होया अपने इश्क च आप ही रोया फिर की होया और फेसबुक दी आईडी पीछे जाहद ना दा बंदा सी मैं कहता रहा जोया जोया फिर की होया मोए 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 ओ माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार तो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तो लखवानी बिस्मिल्ला करा ये तो मोए मोए था मगर अल्लाह करे आगे जाके टोए टोए दे अंदर ही जाके डिगे जहाँ फवाद मायरा की जोड़ी कामयाब है ठीक है जी हुमायूं और महविश की जोड़ी कामयाब है तो आपकी जोड़ी किसके साथ में यार नॉर्मली तो मेरे ख्याल से मैंने हर एक्ट्रेस के साथ काम किया जी और इस तरह से कोई जोड़ी हिट नहीं हुई समिया के साथ मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान के बाद एक थोड़ा सा वो बना था लेकिन इत्तफाक ये हुआ कि उसके बाद मैंने समिया ने एक और प्ले किया लेकिन समय मुमताज लेकिन फिर हुआ नहीं सवेरा आई थिंक मेरा और सवेरा का एक वो हुआ था तीन चार ड्रामे हमने किए थे साथ में रिसेंटली मदिया के साथ मैंने दो तीन प्लेस किए इत्तफाक से मदिया इमाम हिबा के साथ दो कर लिए अदरवाइज कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी उस तरह से वो एक होता है ना कि जैसे कपल सेट होते हैं वो नहीं हुआ हाँ वो क्यों क्योंकि इजाज़ भाई ने किसी को जगह ही नहीं दी ना आने की आजकल आप नेगेटिव कैरेक्टर्स पे बड़ा रुझान आपका हुआ हुआ है ये कुछ नेगेटिव वाइब कहां से इतनी ज्यादा आ रही है यार इत्तफाक हुआ है बट सीरियसली बैक टू बैक तीन बैक हुआ ये कि स्क्रिप्ट्स में दूसरे भी पढ़ रहा था लेकिन मुझे कोई कैरेक्टर ही समझ में नहीं आ रहा था इत्तफाक से मेरा शिकार चला वो मुझे स्क्रिप्ट मजे का लगा फिर मुझे कुछ और स्क्रिप्ट मिले वो पढ़ के समझ ही ना आया वही रोना धोना वही दो शादियां और घर के मसले मसाइल और ये वो तो फिर मुझे जुल्म ऑफर हुआ मैंने जुल्म पढ़ा मुझे जुल्म अच्छा लगा दो के पीपल आर हेटिंग मी इन दैट कैरेक्टर बट कैरेक्टर है यार और मेरी बीवी कहती है कि लोग जब ताने देते हैं तो बीवी कहती है कि मैंने इनको ऐसा कभी नहीं देखा जैसे ड्रामे में तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ नेगेटिव अब चल रहे हैं अब नहीं अभी गैप लिया फिर फिल्म की है अब दूसरी फिल्म कर रहा हूँ तो अभी अब इसके बाद अभी नेगेटिव नहीं है हालांकि एक और ऑफर हुआ नेगेटिव मैंने आज जोड़ दिया मैंने कहा लेकिन फैसल सर क्या आप नेगेटिव कैरेक्टर करना ज्यादा एंजॉय करते हैं कैरेक्टर एंजॉय करता हूं मैं इट्स नॉट नेसेसरी कि वो नेगेटिव है बिल्कुल हाँ। बिल्कुल जी अच्छा फैसल भाई आपने इतना अच्छा मॉर्निंग शो किया और वो हिट भी रहा हाँ। ना तो आपने उसमें कोई शादी करवाई ना ही कोबरे का बोसा किया तो फिर हिट कैसे रहा वो यार एंटरटेनमेंट थी उसमें हम कोशिश करते थे कि एंटरटेनमेंट ज़्यादा रखें जैसे आपका शो है मेरे साथ आदि फैजान होते थे बट साहब कितनी दफ़ा आए लोग बहुत मस्तियाँ करते थे मैं तो इन्जॉय करता था बैठ के वाह सीरियसली तो वो इस वजह से लोग भी इन्जॉय करते थे इन्जॉय की जहाँ बात करें ख्वातीन आज़ाद हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है माइंड द स्पिन आप बड़ा इन्जॉय करेंगे ये वाह ओके टेल अस योर ब्यूटी सीक्रेट ओए होए होए ब्यूटी सीक्रेट क्या है एक तो खाना पीना बड़ा कंट्रोल है फिर ऊपर से एक्सरसाइज है और बाकी जीन्स है आपने तो आज पैंट पहनी हुई है चीज पे डेनिम का नाम जीन्स रखा गया है वो जीन्स हैं वैसे फैसल भाई सच में बड़ी बात है आपके ड्रामे देख देख के मैं बुजुर्ग हो गया तुसी उंजदे उंजी हरकतां सही करो टेल अस योर मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट ओह ऑकवर्ड मोमेंट और आपके तो बड़े हैं करियर में हाँ ऑकवर्ड मोमेंट होते हैं कई दफ़ा सेट्स पे ये होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते पर आपके साथ जो काम कर रहे होते हैं वो नहा के नहीं आए हुए होते सो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैं तो कहता हूँ यार तू परफ्यूम लगाया कर मैं तो खुले आम और लीथल हो जाता बट साहब अच्छा ओए होए होए ओए जाहिर है बहुत ही खुशबू होती जफी जदों पेगी तो बहुत लीथल हो जाता वैसे इसमें हम लोगों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि भाई हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल हाइजीन और जब आप अपनी खुशबू लगाते हैं अगले के लिए कॉम्प्लीमेंट खुशबू ना भी लगाए नहा के आए
आए बस Anything you steal. Oh, कोई ऐसी चीज जो आपने कभी चोरी की हो दिल के सिवा? थोड़ी सी एक्टिंग नदीम साहब से. वाह. अरे क्या. वाह 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 वाह. लास्ट स्पिन. थिंग्स यू वांट टू बाय. ऐसा तो कुछ भी नहीं लेकिन हाँ शायद पता नहीं क्यों ये बड़े दिन से मेरी ख्वाहिश जागी हुई है कि मैं कोई बेंटले शेंटले लूं. मेरा दिल करता है. हाय हाय हाय. नाइस. बेंटले पता है क्या होती है? तुसी दस दियो ऐसे गल ते पैसे लेने. बेंटले गाड़ी का नाम है. गुड. हां मेनू ते जे में पता नहीं. हां कसम तन्ने नहीं पता. चलो बस चुप ही रहो. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. देखिए अल्लाह करे आपको बेंटले मिले भाई. क्यों नहीं. वो तो मिल जाएगी भाई. सारी जिंदगी बेंटले खेले हमने. वो बंटे होते हैं वो. जी ख्वातीन हज़रात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. कहीं मत जाइएगा. डोंट माइंड विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. होप कि आपने माइंड नहीं किया होगा क्योंकि अब बारी आती है अवाम की आवाज. ये वाह. हमारा एक सेगमेंट सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए डेडिकेट होता है जिसमें हम उनके टैलेंट को दावत देते हैं कि स्टेज पे आएं और अपना टैलेंट दिखाएं. ख्वातीन आजाद आज ही हमारे पास बहुत टैलेंटेड ऑडियंस आई हुई है तो आइए सबसे पहले दावत देते हैं. आइए सर. आइए इधर. मेरा नाम रियाज चौधरी है और आपका माशाल्लाह ये शो जो शुरू हुआ है बहुत प्यारा शो आपने ये शुरू किया है और ये जो पीछे आपने स्टिकर लगाया हुआ है कि माइंड ना करना ये जो यूं यूं कर रहा है ये जनाब बहुत मज़ेदार है और आज हर मेल और फीमेल की जुबान के ऊपर एक ही नाम है माइंड ना करना. माइंड ना करना. माइंड ना करना. मदर शाह फिल्म एक्टर विलन होता है वो अपनी हवेली के अंदर आता है एक औरत का दुपट्टा उतार लेता है. गांव की लड़की होती है दुपट्टा उतार लेता है और कहता है मैं इस पिंड का मालिक हाँ तो जरा भी बजारा उस कुड़ी का हमैती बन के आया और मैं उसकी इज्जत का मुल पा देंगा. तो लाला सुधीर आता है वो आगे कहता है ओए लोगों की इज्जत का मुल पाना लिया व्यापारिया मैं तेरे को एक पैन दे जो बच्चे की कीमत वसूल कर दिया. अब वो मदरसा कहता है तू जिस पैन दे जो बच्चे की कीमत वसूल कर लिया है उन भी ना ले लेना सी मैं उनका भी मुल पा देंदा काछू. ये बात. बहुत आनंद. बहुत आनंद. बहुत आनंद. तालियां जी. तालियां. तालियां. वाह. कैसे भाई? बट साहब आई एम श्योर एम्बुलेंस का खास इंतजाम होगा. हाँ जी. अच्छा बाबा जी ने जेड़ा तो अनु बट साहब कहा ना माइंड ना करना. माइंड ना करना. मैं इन्हों के बच्चों को कहना चाहना ताड़ा प्यो बिगड़ गया जे माइंड ना करना. जी तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरियाल मुख्तार है. अच्छा क्या सुनाने आई हैं आज? मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाने आई हूँ जो कि आपको पता है कि हमारे नेशनल पोइट हैं. अच्छा? तो उनका एक शेर है जी. अब पता चल गया. हाँ पता चल जी. अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिदे अवलीन है इश्क. इश्क ना हो तो शरह दीन बुत कदा तसवरात सिदके खलील भी इश्क सब्र हुसैन भी इश्क मार के वजूद में बद्रो हुनैन भी इश्क. अरे क्या बात. तालगुजी आपका नाम? सर शज़ैन अली. घबरा क्यों रहे हैं आप? इजी. ये शज़ैन बोल के बड़ा हो जाता है. हेगा स्टूडेंट है मैनू बगदाद का चोर लग रहे. ताड़ी भी पहले जम्मू वाली रेडी सी होनी अल्लाह ने इज्जत दी. क्या सुना रहे हैं? सर मैं गाना सुनाऊंगा. चलिए फैसल सर आपके लिए. वेरी थैंक यू. थैंक यू. हुक दिगा मिल सांवल यार वे हुक दिया मिल सांवल यार वे मेरे लोनू चीख पुकार
मेरी जिंदड़ी होई उदास रे मेरा सांब आस ना पास रे क्या बात मेरी जिंदड़ी होई उदास रे मेरा सांब आस ना पास रे मुझे चार कहार वे मुझे मिला चार कहार वे एक दिया क्या बात वाह वाह बहुत अच्छे बहुत आला बहुत आला मैं इनको खिताब देता हूं अर्थगुल टाड़ी सलाम अलैकुम क्या नाम है आपका अली इरफान अली इरफान साहब पढ़ रहे हैं आजकल जी अच्छा तो गाने का शौक है जी है थोड़ा सा चलो आज थोड़ा सा ही हो जाए फिर ठीक है आपके लिए ये भी मेरे लिए हाँ जी यार क्या बात है यार बट साहब आपका हो गया आप निकले नियत शोक भर न जाए कहीं नियत शोक भर न जाए कहीं तो भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शोक भर न जाए कहीं आज देखा है तुझको दे आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं तो भी दिल से उतर न जाए कहीं नियत शोक भर न जाए जितने सुरीले बच्चे आ जाए है ना तुसी ते मैं कोई होर काम लब लिए हूं नहीं नहीं तुसी अगे जाओ मैं आ रहा हूं पीछे पीछे भाईजान कुछ ऑडियंस के सवाल हैं आपके लिए जी जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हुरिया है मेरा सवाल ये कि आप फिल्में क्यों नहीं करते हैं हम आपको फिल्मों में देखना चाहते हैं एक्चुअली मुझे कुछ ऑफर्स आई बीच में फिल्म्स नहीं समझ में आ रही थी फिर मैंने कहा यार मेरे नखरे ज्यादा हैं तो मैंने कहा कर लेता हूं असल में ना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है जब एक्टर को लोग पसंद करते हैं जितना ज़्यादा पसंद करना शुरू हो जाता है ना तो एक्टर के ऊपर उतनी जिम्मेदारी बढ़नी शुरू हो जाती है तो आप डिसअपॉइंट नहीं कर सकते अपने फैंस को सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आप ऐसे ही मुंह उठा के कोई काम नहीं कर लेते क्या बात अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है आप आजकल एक ड्रामे के कितना पैसे ले रहे हो अबे ये सवाल तो बीवी नहीं पूछती इसने पूछ लिया ये मेरा ख्याल है बीवी नहीं भेजे है ना अल्हम्दुलिल्लाह यार जो हमारे ऊपर के तीन चार लोग हैं उनमें मैं एक हूँ क्या अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्दुल्ला है आपके एजाज असलम साहब से इतनी गहरी दोस्ती है तो क्या आपकी कभी लड़ाई भी होती है उनसे या नहीं झगड़ा मियां बीवी में होता है तो दोस्तों में कैसे नहीं हो सकता है वाह वाह लेकिन इजाज का मसला ये है कि वो जब नाराज हो जाए तो मुझे मनाना पड़ता है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना लड़ूं फायदा कोई नहीं है बाद में मुझे ही मेहनत करनी है अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई मेरा नाम सुल्तान है अरे वाह क्या प्यारा नाम है आप लाहौर से कराची चले गए हैं क्या आप लाहौर को मिस करते हैं कि नहीं मैं बहुत मिस करता हूँ यार दो के ज़रा सख्त वक्त गुजरा लाहौर में लेकिन मेरी बहुत यादें हैं यार किलोमीटर किलोमीटर पैदल घूमा हूँ मैं सड़कों पे तो मुझे एक एक चप्पा चप्पा याद है अच्छा देखो हुण तुहाडे को गड्डियां आ गई जो पुल बन गए जो नहीं सन उदो पैदल फिरते ते पुल चढ़ना किड्डा मुश्किल हो जाता है पुल तो चढ़े तो मसल पुल हो गया अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम महक बतूल है
सर माशाल्लाह आप अभी तक इतने फिट हैं, आपकी इस जवानी का राज क्या है? पता है ये सवाल बड़े लोग पूछते हैं मुझसे, और मुझे अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी, हालांकि हमारे कुछ एक्टर्स उन पर गुस्सा निकाल रहे हैं, बनता भी है, लेकिन मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे अपना आप बूढ़ा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन की, मैं और वो सेम एज के हैं। अच्छा, बट मैं जब उनको देखता हूँ, ही जस्ट टर्न 50 एंड आई विल बी टर्न 50 इन अक्टूबर। अरे वाह वाह वाह, याद ना करें आप कसम से, मजाल है कि आप 18 साल से उम्र के एक साल भी ऊपर लगते हो। बट साहब ऑन एयर जा रहा है, वरना मैं पप्पी ले लेता। तो मुझे लगता है, देखें इंस्पिरेशंस होती हैं जिंदगी में। हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक 28-29 के हैं, जबकि वो मुझसे एक साल बड़े हैं। तो उनको मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ये कैसे इतने जवान लगते हैं। सो मैं तो कुछ भी जवान नहीं लगता। कुछ जीन्स होती हैं, कुछ आपकी अपनी मेहनत होती है, और जो हम खाते हैं वो हम दिखते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, याद रखिएगा मेरी बात। वाकई और ये सुन्नत भी है, ये आपने सुना होगा। हमारा क्लोजिंग एक सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है माइंड द रील। माइंड द रील के अंदर हम अपनी सेलिब्रिटी को मौका देते हैं कि वो यहाँ आए और बताएं कि उनको क्या चीज़ माइंड कर रही है आजकल, और वो क्या चीज़ इस मुल्क में बेहतर देखना चाहते हैं। आपकी भरपूर तालियों में फैसल कुरैशी जी। भट्ट साहब, आपने माइंड करने की बात की, तो हमें इस बात की खुशी नहीं होती जब हमारा हमसाया मुल्क, पूरी दुनिया जहाँ जुड़ने की बात कर रही है, हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत के पैगाम दे रहे हैं, वहाँ पे वो हर 3-4 महीने बाद कोई एक ऐसा शोशा छोड़ देते हैं अपनी फिल्म में कि हमारा भी दिल दुखता है। जबकि जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, हम वहाँ जाके जो हमारे हमसाए हैं हिंदुस्तानी, हम उनसे मिलते हैं, इतना वार्म वेलकम हमें मिलता है, इतनी मोहब्बत हमें मिलती है, लेकिन जब हम फिल्म देखते हैं तो कौन सा एजेंडा लेके चल रहे हो यार, ये मैं माइंड करता हूँ, ये मुझे बुरा लगता है। इसीलिए कभी कभार अगर मैं कुछ सख्त अल्फाज बोल देता हूँ तो वो इस वजह से कि मेरे लिए जब मेरे घर से बढ़ के कुछ नहीं है तो मेरा घर मेरा पाकिस्तान है। तो बॉस माइंड करना तो बनता है। माइंड करना तो बनता है, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो हम तो माइंड करेंगे। खवातीन अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। फैसल भाई थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।